माता पिता। और एक चरित्र राम का है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नामे माता। तो हमारी बहनें बैठी है, माताएं बैठी, बच्चों को यही आदर सिखाओ कि माता पिता से श्रेष्ठ इस धरती में कोई नहीं है। माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि आजकल वो दौर भी आ रहा है कि ज्यादातर माता पिता वृद्धाश्रमों में समय गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बातें चूंकि बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए, चूंकि हमारे बीच बहुत योग्य हमारे नेता आदरणीय सांसद जी मौजूद हैं और वो भी अपनी बात को रखेंगे, मैं अपनी बात को इतने रखते हुए कि भगवान राम का जो चरित्र था वो ऊंच नीच छुआछूत को भेदभाव मिटाने वाला सच्चा समाजवादी दर्शन था। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, उन्होंने हनुमान से मित्रता की और उन्हीं आदिवासी कोल भील जो उस समय की जातियां थी उन्हीं को लेकर लंका अधिपति रावण जैसे व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने अयोध्या फोन नहीं किया था, ये भरत भैया तुम्हारी बहू जी को रावण ले गया तो आओ सेना लेकर के। अपने पिता को याद नहीं किया था, जहां रहे जिस हाल में रहे वहीं अपने मित्रता यानी उनकी संगठन क्षमता देखिए कि जहां रहे वहीं उन्हीं लोगों के साथ अपनी संगठन बनाया और एक सेना बना करके जा करके रावण जैसे पराक्रमी को हराने का काम किया। यानी सच्चा समाजवादी वही होता है जो ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करे और सबको। और एक चीज देखिए कि सत्ता का लोभ भी नहीं था, रावण पर विजय तो प्राप्त की लेकिन लंका पर राज्य नहीं किया, उनके भाई विभीषण को राज्य दे करके चले आए। बाली को तो मारा लेकिन राज्य नहीं कब्जा किया, उनके भाई सुग्रीव को राज्य दिया। यानी सत्ता की लोलुपता नहीं थी, ऐसे कृतित्व और व्यक्तित्व को ही महान कहा जाता है जिसमें त्याग तपस्या बलिदान की भावना हो। ऐसे सच्चे समाजवादी राम को मैं नमन करते हुए आप सबसे उनके चरित्र प्रेरणा लेने के लिए अनुरोध करूंगा। आप सबको एक बार रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। आप सबने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। भाई आपने क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी वार्ता हमारे रामचरितमानस के आधार से जो किया ये बहुत ही सत्य है।